नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहतमंद नुस्खे में। मैं हूं आपके साथ सुमन आर नेगी। दोस्तों, क्या आपके हाथ पैरों में, जोड़ों में, कमर में दर्द रहता है? तो हमारे पास है एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपकी इस परेशानी में आपको राहत देगा। और वो घरेलू नुस्खा क्या है वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। पहले जानिए इस नुस्खे में आखिर हमें इस्तेमाल क्या करना है। तो इस नुस्खे के लिए हमें चाहिए सुरंजान। अब आप पूछेंगे ये सुरंजान क्या है, बताएंगे आपको, सब बताएंगे सुरंजान क्या है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है और इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। सुरंजान एक विशेष हिमालयन जड़ी बूटी है जो हिमालय के तराई में पाई जाती है। इसके साथ ही ये अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में भारी मात्रा में पाई जाती है। दरअसल इसमें एल्कलॉइड की मात्रा बेहद कम होती है, जिस कारण से इसका इस्तेमाल हड्डियों और जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। सुरंजान दो तरह की होती है, एक मीठी एक कड़वी। एक सुरंजान तो आपकी सेहत को बहुत सारे लाभ देगी, लेकिन दूसरी आपकी सेहत के लिए जहर का काम करेगी। दोस्तों, अगर आपको आर्थराइटिस या गठिया की परेशानी है तो आप सुरंजान का सेवन कर सकते हैं, ये आपको गठिया के दर्द में राहत पहुंचाएगी। वहीं अगर आप साइटिका से परेशान है तो भी मीठी सुरंजान का इस्तेमाल करें। साइटिका में इंसान को पैर या शरीर के निचले हिस्से में बेहद दर्द होता है, ऐसे में मीठी सुरंजान का सेवन करना आपको आपकी इस परेशानी में राहत पहुँचा सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने की दिक्कत कई बार पुरुषों के साथ हो जाती है। अधिक बढ़ जाने की स्थिति में ये सेहत के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए सुरंजान मीठी का इस्तेमाल करें। थकान होने या शारीरिक दर्द होने की स्थिति में सुरंजान मीठी का सेवन लाभकारी माना जाता है। इसके प्रयोग से शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द में राहत पाना मुमकिन है। आयुर्वेद में इसे एक अच्छा दर्द निवारक औषधि माना गया है। दोस्तों, सुरंजान के ये सभी लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आप इसका सही तरीके से सेवन करेंगे। दोस्तों, ये तो आपने जाना कि सुरंजान के फायदे क्या है और किस तरीके से इसका सेवन करना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इनमें आती है गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, छोटे बच्चे, जिन्हें लीवर से जुड़ी कोई परेशानी है वो लोग भी बिना डॉक्टर की सलाह के ये ना खाएं। दिल की बीमारी से परेशान लोगों को भी डॉक्टरी सलाह के बाद इसका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताई एक हिमालयन जड़ी बूटी सुरंजान के बारे में, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सेवन का सही तरीका क्या है और किन लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही कुछ हर्ब्स जड़ी बूटियों के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।